शब्द सार समण या समणी, संस्कारित भाषा में इसको कहते हैं श्रमण या श्रमणी। ये जो श्रेय शब्द है, ये शब्द पाली का, भारत का या पुराना बुद्ध शब्द नहीं है, यानी कि जो बोधि के साथ में जितना भी साहित्य है उसके अंदर ये श्रेय जो शब्द है श्रमण या श्रम या श्रमदान, ऐसा कोई शब्द श्रेय से नहीं है, क्योंकि ये आधे शय और रय से बनता है, और शय षटकोण वाला जो विषय में आता है और जो शलजम में आता है, दोनों ही से पाली में नहीं है। पाली में सिर्फ एक से है, संसार वाला या जो मेरा नाम है सुधीर, उसमें जो से आता है वह वाला। तो यहाँ जो संस्कृति शब्द है, संस्कृति भी पाली का शब्द नहीं है, क्योंकि संस्कारित, संस्कृति का मतलब है संस्कारित, संस्कारित का मतलब है जिसका संस्कार किया गया या जिसको मॉडिफाई किया गया या जिसमें कोई तब्दीली या कोई चेंज या कोई बदलाव किया गया, उसको बोलते हैं संस्कारित। जैसे दूध जो होता है वो शुद्ध दूध आता है, अगर उसको हम प्रोसेस कर दें या उसको हम संस्कारित कर दें तो वो फिर प्रोसेस्ड दूध हो जाता है, जिसमें हम प्रोसेस किया हुआ है और कुछ उसमें जोड़ा या घटाया गया है। ऐसे ही भाषा होती है, भाषा शुद्ध होती है जो अपने आप बनती है, जो शुद्ध भाषा होती है उसमें अगर कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे तो वो संस्कारित भाषा हो जाएगी। प्राकृतिक रूप से उसमें कुछ भी बढ़े या घटे वो संस्कारित में नहीं आता, मगर अगर आदमी खुद, मनुष्य अगर खुद उसमें जोड़ता है या घटाता है या उसको मैथमेटिक्स में लेके आता है तो वो संस्कारित भाषा हो जाती है या मॉडिफाइड भाषा हो जाती है या बनावटी भाषा हो जाती है। तो ये समण शब्द है जिसको हम समण संस्कृति बोलते हैं, बेसिकली ये समण संस्कृति है, ये संखार बोलते हैं संस्कार को, संखार पाली में बोलते हैं, तो संखारित हो गया तो संस्कृति हो गया। तो समण संस्कृति जो शब्द है इसके अंदर समण का जो मतलब होता है वो होता है साधु, और साधु का मतलब होता है जिस जो सीलवान पुरुष होता है, यानी कि जो मेल होता है और जिसने सारे सील ग्रहण कर रखे हैं या कुछ अच्छे सील ग्रहण कर रखे हैं उसको साधु बोलते हैं। और कोई अगर महिला है, कोई अगर फीमेल है, उसने अगर सील ग्रहण कर रखे हैं और वो सील पे आचरण भी करती है, पुरुष को महिला को सील ग्रहण करने के बाद उसमें आचरण भी आना चाहिए, तो वो साध्वी हो जाएगी या वो सामणी हो जाएगी, सामणी या समण। तो समणी या सामणी और समण, ये तीनों शब्द जो चलते हैं इसमें हम साध्वी और साधु आज की डेट में इसको बोलते हैं। साधु शब्द पैसे पुराना शब्द भी है जिसमें हम बोलते हैं साधु साधु और साधु साधु साधु, जब तीन बार हम बोलते हैं तो इसका मतलब कि हमने जो सुना और जो देखा वो बहुत अच्छा है, हमारे लिए भी आपके लिए भी, और ऐसा सबके साथ हो, ऐसा हम उसमें तीन बार अनुमोदन उसका करते हैं। तो साधु का मतलब, समण का मतलब और सीलवान व्यक्ति का मतलब तीनों एक ही हैं। यहाँ साधु संत जो शब्द आता है, साधु के साथ में संत जुड़ा हुआ आता है, संत का मतलब होता है शांति, यानी जो समण है, जो सीलवान पुरुष है वो शांत होता है, तो उसके स्वभाव को देखते हुए उसके साथ में साधु संत जोड़ दिया जाता है, और जितने भी अच्छे पुरुष या अच्छी महिलाएं होती हैं उनको साधु संत या साधिका संत ऐसे करके बोला जाता है। और भिक्कू और भिक्कुणु जो शब्द हैं वो अलग आते हैं, साधु से वो अलग आते हैं, साधु कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो सीलवान है, मगर भिक्कू और भिक्कुणी वही होते हैं जिन्होंने उपसंपदा की हो और जिन्होंने सारे सील का पालन किया हो। साधु को और संत को सारे सीलों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, जितने वो कर लें अच्छा है, मगर पांच सील का पालन यानी पंच सील का पालन उन्हें कम से कम करना ही होगा। तो ये साधु और जो साध्वी या समण और समणी के अंदर जो अंतर है, और भिक्कू और भिक्कुणी के अंदर, ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये सभी शब्द बिल्कुल अलग अलग हैं। धन्यवाद।